रतलाम में आज आपदा प्रबंधन समिति की बैठक प्रभारी मंत्री जगदीश देवड़ा की अध्यक्षता में हुई। इस दौरान कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम सहित रतलाम विधायक चेतन कश्यप और अन्य विधायक भी शामिल रहे। इस बैठक में निर्णय लिया गया कि अब रतलाम में कोरोना की स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और जनता की परेशानियों को समझते हुए जिले को पूरी तरह खोलने का निर्णय लिया गया है, जिसके बाद अब सभी दुकानें शाम 6 बजे तक खुली रहेंगी। आज जिला प्रशासन द्वारा एक महत्वपूर्ण बैठक में रतलाम शहर को सभी प्रतिबंधों से मुक्त कर दिया गया है। व्यापार व्यवसाय कल से खोलने की अनुमति दी गई है। इसके लिए मैं शहर कांग्रेस कमेटी की ओर से समस्त कार्यकर्ताओं, हमारे पदाधिकारियों की ओर से हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। कांग्रेस लगातार इस मांग को उठा रही थी, चूँकि संक्रमण की दर पूरे शहर में कम हो चुकी थी और हम ये चाह रहे थे कि छोटे छोटे व्यवसायी जो अपनी रोजी रोजगार से परेशान है, जिनको काम धंधे नहीं मिल रहे, उनको पूरा काम धंधे पे लगे, उनका जीवन पुनः एक बार पटरी पर लौटे, इसके लिए व्यापार व्यवसाय की अनुमति देना आवश्यक था। और हमें खुशी है कि हमने 8 जून को जिला प्रशासन से इस संबंध में मांग करी, ज्ञापन दिया। जिला प्रशासन ने इस मांग को शीघ्रता से स्वीकार किया और पूरे शहर को व्यापार व्यवसाय करने की अनुमति प्रदान करी, अनलॉक किया है। मैं शहर के नागरिकों से भी अपील करता हूँ कि कोरोना गाइडलाइन का पूर्ण पालन करें, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग रखें और पूर्णतः प्रशासन को सहयोग प्रदान करें, यही अपील है। रतलाम से EMS TV के लिए दीपक शौरड़िया की रिपोर्ट।